अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम क्लास 4 का टॉपिक कर रहे हैं जिसमें डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। अपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, इसमें कह रहा है ड्रा द फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी डेसिमल फ्रैक्शन हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में करके आए हैं। अभी इसमें क्या करना है, ये बता रहा है 0.3। अभी इसकी क्या करनी है, फिगर ड्रा करनी है। ये 0.3 की फिगर कैसे बनेंगे, अब इसका मैं आपको बता दूं पहले ये है क्या चीज। 0.3 का मतलब क्या है, यहाँ पर 0. जब भी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे। ये करेंगे 0. जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, 1 को दे देंगे। उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे, जितने डिजिट, एक डिजिट है तो सिंपल आप क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब एक डिजिट है, कितना डिजिट है, एक है। एक पे वो अमाउंट जो होगा वो क्या करेंगे, ऊपर हम लिख लेंगे 3, यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 3/10। अब 3/10 आपको मिल गया। अभी आप इसकी फिगर आराम से बना सकते हैं, यानी टोटल पोर्शन होंगे 10 जिसमें से हमने 3 यूज किए हैं। अभी आप कोई भी फिगर ड्रा कर सकते हैं इस तरह से जिसके 10 इक्वल पार्ट्स हो। कोई भी फिगर हो जिसके 10 इक्वल पार्ट्स हो, सपोज कर दें, ये देख लें आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कितने हो गए टोटल, 10 पार्ट्स हो गए। 10 में से क्या कह रहा है, 3 उसने यूज कर दिए। कितने यूज किए हैं, 3 को आप क्या कर दें, कलर कर दें। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। ये आपकी फिगर हो गई, आपकी 0.3 का वैल्यू ये आपकी फिगर इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है आपको 0.8 की आप फिगर बनाएं। फिगर कैसे बनाएंगे, अब मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब क्या है, 0.0 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 और एक डिजिट है, यानी 0 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 10। ये डिवाइडेड बाय 10, ऊपर कितना है, 8 है। अब इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 10 होंगे, इसी तरह से 10 होंगे। ठीक है, अभी कलर पोर्शन कितने होंगे, 8 होंगे। अभी आप सिंपल कर दें, ये देख लें, कोई भी फिगर बना दें या इस तरह बना दें। फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, जो भी आप बनाएंगे उसके इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 में कितने कह रहा है, 8 कह रहा है, कलर पोर्शन हो गया 8 इसने इस्तेमाल कर दिए, यानी 1, 2 छोड़ के बाकी ये सारे आपके क्या हो गए, कलर पोर्शन। ये सारे आपके क्या हो गए, कलर पोर्शन हो गए। ये आपके सारे कलर पोर्शन हो गए, ये इसकी फिगर हो गई, ये इसकी फिगर हो गई। ये इसका आंसर है। ठीक है, और ये इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिगर बता रहा है 1.3। 1.3 का मकसद क्या है, 1 यानी 1 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है। जो भी पोर्शन होगा, जो भी शेप होगा, एक कंप्लीट शेप होगा। ठीक है, उसके बाद 0.3 कह रहा है, यानी 0.3 के बाद क्या कहेंगे हम, टोटल 10 होंगे, एक डिजिट है तो टोटल 10 होंगे। 10 में से एक उसने इस्तेमाल कर दिया और 3 इस्तेमाल कर दिए, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल 1। ये डिजिट का मतलब क्या होगा, /1। वो एक डिजिट है तो क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, ऊपर 3, यानी 1/3/10। 1/3/10। अब कोई भी फिगर आप ऐसी बनाएं जिसके एक तो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे के 10 में से 3 यूज करेंगे। देख लें, कोई फिगर बना लेते हैं। सपोज करें 2 सर्कल बना रहे हैं, एक ये सर्कल, दूसरा ये सर्कल। अब इसके भी 10 पोर्शन करने हैं, इसके भी 10 पोर्शन करने हैं। ये देखें, ये हो गए, इसके 4 हो गए। अब ये कितने हो गए, 5, 6 हो गए। ये कितने हो गए, 7, 8 हो गए। अब ये 9, 10। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हो जाएंगे, 9 हो गए। एक हम यहाँ से निकाल देते हैं, 10 हो गए। अभी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। ये 10 सारे कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, ये कंप्लीट पोर्शन है, ये वन वाला कंप्लीट है, यानी ये सारा हमने इस्तेमाल कर दिया। अब इसमें से 10 बनाएंगे। आप किस तरह से बनाएं ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ये यहाँ से 10 निकाल दिया, ठीक है। ये 10 पार्ट 110 में से कितने कह रहा है यूज करिए? 3 1 2 3 ये इसने यूज कर दिए, 3 पार्ट कर दिए हैं, यूज कर दिए हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपकी ये जो फिगर बनेगी, ये जो फिगर है आपकी, इसको ये आइडेंटिफाई करेगा 1.3 की ये फिगर हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं वो इसी तरह से होंगे। आपकी कोई भी फिगर हो, ज़रूरी नहीं है कि ये फिगर हो, ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, उसके इक्वल पार्ट्स करेंगे, बराबर पार्ट्स करेंगे, और उनको जितना आपको कहेगा 0.3 है या 0.03 कहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और 0.003 कहेगा डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी फिगर आपके पास आ जाए, कितनी बड़ी हो जाए, आपके लिए वो शेप बनाने इतनी आसान हो जाएंगे और आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट के हमारे वीडियोस का फायदा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।